Hi guys, my name is वेलकम Welcome back to my channel. Welcome back to another makeup tutorial. This one is करवा Chauth special. ये literally मैंने उस दिन shoot किया जिस दिन मेरा करवा चौथ का फास्ट था सबसे बेस्ट टाइम पास होता है मेकअप टुटोरियल शूट कर लो बट मैं आज आपको काफ़ी अच्छे ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ कि आप फुल कवरेज मेकअप कैसे कर सकते हो एक्ने प्रोन स्किन पर और वो वो मेकअप बिल्कुल भी हैवी केक लगेगा अगर आप ब्राइट टू भी हो आपकी शादी होने वाली है या ब्राइड्स मेड हो किसी वेडिंग में जाने वाले हो आपको मिनिमल मेकअप करना पसंद है लेकिन वो फुल कवरेज भी होना चाहिए एक्ने मार्क्स पिगमेंटेशन नहीं दिखनी चाहिए और काफ़ी अच्छा ग्लो आना चाहिए तो ये ट्यूटोियल आज आपके लिए है स्टेप नंबर वन इज़ मॉइस्चराइज़र हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर चूज करो जैसे अभी मेरी जो स्किन है वो हल्की सी ड्राई हुई है बिकॉज वेदर में चेंज आया प्लस मैंने एक्ने जेल्स यूज़ करे थे जिसकी वजह से मेरे लिप्स के अराउंड दो तीन जगह पर बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेस बन गए थे और ये मॉइस्चराइजर ब्यूटिफुल सूट करता है बट ऑनेस्टली ये जो ड्राई स्किन का मॉइस्चराइज़र है सेरावी का ये एक ऑयली स्किन वाला भी मेकअप से पहले यूज़ कर सकता है बिकॉज मेकअप काफ़ी बार इतना हैवी हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा मैट मॉइस्चराइजर बेस पे यूज़ कर लेंगे तो हमारा मेकअप वो केक केकी लगता है थोड़ा सा हैवी पील ऑफ करता है तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करो स्टेप नंबर टू इज़ प्राइमर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करना एक दो मिनट और फिर प्राइमर लगाना अदरवाइज आपका जो प्राइमर है उसमें बहुत ज्यादा पील्स बनने शुरू हो जाएंगे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर जो एक प्रॉपर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो काफ़ी अच्छे से मेरे पोर्स को फिल इन करता है और इसको लगाने के बाद भी मैं थोड़ी देर वेट कर रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग माई बेस मेकअप स्टेप नंबर वन बेस मेकअप करने का है कलर करेक्शन अब कलर करेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं आपको ऑरेंज डार्क रेड कलर का कलर करेक्टर लेना होगा ये गलती मैं भी पहले करती थी सबसे बेस्ट तरीका है अपने शेड से दो या तीन टोन डार्क कंसीलर ले लो जिसमें एक हल्की सी वार्म अंडर टोन हो जैसे इस कंसीलर में आप देख सकते हो यह फिटमी का कंसीलर है द शेड फिफ्टी इसकी हल्की सी वार्म अंडर टोन है थोड़ा सा डार्क भी है मेरी स्किन से तो ये बहुत अच्छे से कलर करेक्शन करता है जो मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स है एक्ने मार्क्स उन सबको अच्छे से बैलेंस आउट कर देता है अब आती है फाउंडेशन की बारी फुल कवरेज मेकअप है तो एक अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन लेना मैं ले रही हूं मैक का स्टूडियो फिक्स ये मिनी वाला आप मिनी वाला पहले लेके देख सकते हो आई एम द शेड एनसीव और इस मेकअप को थोड़ा सा ग्लोइंग बनाने के लिए मैं ऐड कर रही स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस इसका भी जो शेड है मैं नीचे कर दूंगी मेकअप आर्टिस्ट का ट्रिक मैं यूज कर रही हूं कि ऐसे ब्रश से पहले पेंट करते हैं बिकॉज इससे मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं फुल कवरेज आता है तो अच्छे से दोनों को मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एनसी ट्वेंटी थोड़ा सा वार्म लगता है मुझे अपनी स्किन पर तो ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसकी टोन भी ठीक हो जाती है और काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन टोन पे वो मैच भी कर जाता है सो so, ब्रश से अच्छे से पेंट करने के बाद मैंने ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर लिया एंड यू कैन सी द ग्लो वो जो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है ना वो अपने आप में बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है अब बारी आती है हाईलाइटिंग कंसीलर लगाने की मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का कंसीलर वन वन जीरो एन लाइट ये एक लाइट कंसीलर होता है आप कोई भी अपनी स्किन टोन से एक या दो शेड लाइटर कंसीलर ले सकते हो अंडर आइज पर लगा सकते हो मैं बिलो द जॉ लाइन भी लगा रही हूँ ताकि एक रिवर्स कॉन्टोरिंग इफेक्ट और लिट्स पर भी लगा रही हूँ आईलेट्स पे कंसीलर लाइट कलर का लगाना जरूरी है ताकि आप जो भी कलर लगाओ आई शेडो का वो पॉप करे अगर आप अपनी नॉर्मल आइस पर डायरेक्ट आई शेडो करोगे तो वो कलर्स पॉप नहीं करेंगे एंड दिस इज द फुल कवरेज मेकअप ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है ऐसा ही लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप किया है ये ऑयली स्किन को भी सूट करता है ड्राई स्किन को भी सूट करता है।, अब करता है आप स्टार्ट करते हैं आईज के साथ मैंने ये नई आई शेडो पैलेट निकाली थी मार्स की सबसे पहले लाइटेस्ट व्हाइट कलर का शेड ले रही हूँ उससे पूरी आईलेट को मैं सेट कर लूंगी ताकि जो भी ऑयलीनेस है वो चली जाए लाइट पिंक कलर से स्टार्ट करके अच्छे से एक क्रीज़ इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ आपको हमेशा सबसे लाइट कलर से शुरू करना है फिर एक छोटा ब्रश लेके मैं डार्क वार्म पिंक ये वाला कलर ले रही हूँ उसको बाहर क्रीज पे लगा के फिर अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी क्रीज हल्की हल्की डिफाइंड हो जाए और फिर मैं लास्ट ये शिमर पिक कर रही हूँ अपनी आ, फिंगर टिप से ही फिंगर से आपका जो शिमर है वो बहुत अच्छे से लगता है ये प्रेस्ड शिमर्स है बेसिकली इसको अच्छे से मैं अपनी आईलेट्स पर लगा रही हूँ अंदर से शुरू करना और मिड तक लेके जाना है दैट सेट ज़्यादा एंड तक नहीं लेके जाना नॉ मेरा जो सूट है वो रेड कलर का था लेकिन मैं आईज पिंक कलर ही कर रही हूँ बिकॉज रात को मुझे पिंक कलर की साड़ी पहननी थी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ जो थोड़ा बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट करे मेरा आउटफिट काफी हैवी था तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मेकअप नहीं किया जो पूरा मेकअप लुक है ये काफ़ी सटल है लेकिन वेडिंग और पार्टीज में सुंदर लगता है उसके बाद मैंने लगाया रेने का काजल हल्का हल्का सो आज मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी काजल लुक बिकॉज अच्छी लगती है काजल मुझे आजकल सुंदर लगता है आइज थोड़ी सी डिफाइन भी हो जाती है फिर ये प्रॉश का ब्रश ले रही हूँ मैं पी जीरो एट ये बहुत अच्छा ब्रश है मैंने भी सेपरेटली खरीदा था इससे बहुत अच्छी आपकी बिलो द क्रीज़ अगर आपको लाइक बिलो वॉटर लाइन पर ब्लेंडिंग करनी है तो बहुत अच्छे से हो जाती है अब मैं कर रही हूँ सेटिंग ये पहले भी आप कर सकते हो अगर आपका आई शेडो फॉल होता है गिरता है आपसे तो आप यहाँ पहले भी कर सकते हो मैं बाद में करना प्रेफर करती हूँ बेकिंग करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर लगा के उसके बाद ब्रश से हटा दिया ना ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा कारण फेवरेट ब्लश जो है नायका का चीकी ब्लश इन द शेड रोजी रश इसका बहुत प्यारा एक वार्म अंडर है जो बहुत प्रटी लगता है है अगर आपको पिंक रेड कलर के ब्रश ब्लश नहीं पसंद जो बिल्कुल आपको एकदम क्लाउनी वाली लुक दे देते हैं तो ये शेड जरूर ट्राई करना रोजी रश बहुत प्यारा शेड है हमारी इंडियन स्किन टोन पर बड़ा सुंदर लगता है वार्म इफेक्ट भी देता है ब्रॉन्जिंग इफेक्ट भी आता है और एक ब्लश का भी काम करता है अब मैं यूज कर रही हूँ बेनिफिट की गूफ प्रूफ ये पेंसिल टू डिफाइन माई आईब्रोज इससे काफी अच्छी मैं मेरी आईब्रोज हल्की हल्की डिफाइन भी हो जाती हूँ बिल्कुल भी लाउड नहीं लगती अब मैं बहुत सटल आई फिल करती हूँ पहले मैं थोड़ी लाउड करती थी Then coming to mascara, देन कमिंग टू मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का बेटर दिन सेक्स मस्कारा लेकिन ये जो है उनका लिमिटेड एडिशन वाला है मैं नॉर्मल वाला भी नीचे लिंक कर दूंगी बाय द वे सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे फास्टिंग के डे मुझे कंफर्टेबल रहना रहना था इसलिए मैंने लैशेज़ नहीं लगाई अगर इसी लुक पे मैं कोई लैस लगा लूँगी ना तो ये बिल्कुल पार्टी वेडिंग मेकअप लुक बन जाएगी बट फास्टिंग वाले दिन मैंने लैशज नहीं लगाई थी खाली मस्कारा लगाया ये मार्स का लिप लाइनर लगाया डीप डाउन शेड का फिर लगाई न्यूड लिपस्टिक ये है कालाबार की किस प्रूफ हॉट लाटे मेरा अल्टीमेट फेवरेट शेड आप पैकेजिंग से देख सकते हो मुझे कितना पसंद है न्यूड लिप्स हमेशा सुंदर लगते हैं जब भी आप कोई डार्क कलर का आउटफिट पहन रहे हो आपने आइज पे पिंक रेड ऐसा कोई मेकअप किया है तो हमेशा न्यूड लिप्स लगाओ सुंदर लगते हैं अगर आपको रेड लिपस्टिक लगा तो फिर आईज को बिल्कुल सटल रखना अगर आपकी आईज और लिपस्टिक भी रेड होगी तो बहुत लाउड हो जाएगा मैक का मैंने हाईलाइटर लगाया उसके बाद सेट कर लिया अच्छे से मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपका मेकअप सुबह से लेकर रात तक अच्छे से चले और फिर मैंने हेयर uh, स्टाइल कर लिया ना मेरा आउटफिट ऑलरेडी हैवी था और मुझे मेरा बिल्कुल मन नहीं था कर्लिंग एंड ऑल करने का सिंपल मैंने स्ट्रेट हेयर रखे जो ईजी होता है भर भर के मैंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाया बिकॉज आई लव म हेयर मैं ज्यादा हीट स्टाइलिंग करती नहीं हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है हीट डैमेज हो जाएगा तो मैं जब भी लगाती हूँ अच्छे से हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाती हूँ उसके बाद मैं फिलिप्स का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ इसमें टेम्परेचर सेटिंग नहीं होती खाली इसमें ज़ीरो वन टू लेवल है तो मैं हाइएस्ट लेवल पर प्रेसिंग कर रही हूँ एंड स्ट्रेटनिंग आई थिंक टुटोरियल देने की ज़रूरत नहीं है काफ़ी ईजी प्रोसेस होती है और ऐसे कर ली मैंने अपने बाल स्ट्रेट नाउ दिन के टाइम जो कथा का टाइम था मैंने उस टाइम ये सूट पहन लिया था बिकॉज ये कंफर्टेबल था सुंदर भी था दिस इज़ अ स्टिच्ड सूट सॉरी मैं इसका लिंक नहीं दे सकती अगर मुझे कुछ सिमिलर मंत्रा में मिलेगा तो मैं डाल दूंगी बट दिस इज़ द फिनिश्ड लुक ये सिंपल भी लगती है सटल भी लगती है लाउड नहीं लगती है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है जो आपका सुबह से लेकर शाम तक चलेगा रात को जो मैंने साड़ी पहनी थी वो ये रही फुल लुक मेरे आपके मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगी और मिनी ब्लॉग मैंने अपने वाइटी शॉर्ट्स पर डाला था अगर आप मेरी शॉर्ट्स नहीं देखते तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना एंड अगर आपके घर में कोई शादी पार्टी या कुछ भी आ रहा है आप डेफिनेटली ऐसा लुक कैरी कर सकते हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और को क्या वीडियोज़ देखनी है रिलेटेड टू तो वेडिंग पार्टीज एनीथिंग बेसिकली अगर कोई वी वीडियो सजेशन है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड दैट इज